हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, हम लोग माँ बेटी बैठ गए यहाँ पे आप लोगों से बातें करने। हम तो एक नंबर है। और अद्विक का बताओ, अद्विक की तबीयत 2 दिनों से और खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इसकी वजह से अद्विक का आवाज चेंज हो गया है, अद्विक की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर क्या होता है कि अद्विक को स्कूल हम लोग नहीं भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को, दूसरे बच्चों को फीवर ना हो जाए इसी वजह से। और उस दिन ना मतलब एकदम टनाटन था वो, मतलब 2-3 दिनों से। इतने सारे वीडियो आते हैं, देखो आपके आपके लिए इतने सारे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते। बोलो ना यार लाइक करने के लिए। अभी आप लाइक क्यों नहीं करते हो? मम्मा के चैनल को, दोनों चैनल को लाइक कर देना ना। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर देना, ठीक है? नहीं तो मम्मा आपके लिए ये वीडियो नहीं लेंगी। देखो धमकी दे रहा है अभी। और वीडियो नहीं लेंगी तो आप वीडियो कैसे देखोगे? अभी बताओ। और अद्विक को देखो, लिपस्टिक लग गई है देखो। उस दिन पता है क्या, मैंने ऐसे ही अद्विक की पप्पी ली। अरे एक मिनट, अभी थोड़ी देर के बाद इनसे बातें करूंगी, एक मिनट बात कर लेती हूँ फिर। हेलो, हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ, ठीक है? हाँ चलो बाय। तो अद्विक को ना उस दिन मैंने पप्पी ली, ऐसे अद्विक की पप्पी ली और अद्विक को लिपस्टिक लग गया और वैसे ही वो खेलने चला। नहीं ना, मैं बता दियो, वैसे ही वो खेलने चला गया। तो फिर इसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि अद्विक ये तुम्हें क्या हो गया, अद्विक ये तुम्हें किसी ने काटा क्या? तो उसके पापा बोल रहे हैं नहीं, उसकी मम्मा ने उसका प्यार किया। अद्विक की बेइज्जती हो गई। देखा, बोल रहे मम्मा ऐसे मत किया करो, मेरी बेइज्जती होती है। बोला यार अद्विक नहीं उठो मत, कोई बात नहीं अद्विक, आप बात करो। तो हाँ, हम लोग ऐसे लिए बैठे हैं क्योंकि अभी आज तो मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया, कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई मैं। एक्चुअली क्या हुआ है, आज मैंने वो 15 अगस्त के लिए मेकअप लुक शेयर किया था आपके साथ, मतलब लुक शेयर किया था, जो आपने अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है उससे। तो उसमें मेरा टाइम पूरा चला गया। एक्चुअली कल से ना थोड़ा सा सिर दर्द, और मैंने बोला था ना आपको कि मेरा हाथ पैर दर्द हो रहा है, वैसे 2-3 दिन से लगातार ऐसे ही हो रहा है, बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो इसकी वजह से मन ही नहीं कर रहा मेरा व्लॉग वगैरह शूट करने का। बट फिर भी ठीक है, मैंने सोचा कि चलो आज वो लुक क्रिएट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब हम लोग फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने गए थे ना, उसके दूसरे दिन से मेरा बॉडी पेन होने लगा, और बॉडी पेन ऐसा हो रहा है कि मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है अब। तो अभी आज मैंने वो लुक शेयर किया आप लोगों के साथ, दोबारा से बोल रही हूँ देख लेना, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको पसंद आने वाला है। फ्रेंडशिप डे में फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं, रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं, यही फर्क होता है। फ्रेंडशिप डे को फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं और यहाँ पर भाई को राखी बांधते हैं। तो और हाँ, कल है राखी। तो गाइड्स, आपको सभी को एडवांस में मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ, आपने रक्षाबंधन की तैयारी क्या क्या की वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और पता नहीं अभी भाई और शायद भाभी मम्मी वगैरह आने वाले हैं कल, तो जो भी होगा रक्षाबंधन का ब्लॉग तो आएगा ही, जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी। और बस मतलब आपको लगा होगा कि मेरा मूड डाउन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ये बोर हो रहा हूँ इसलिए मेरा मूड डाउन है। हाँ, बोर हो रहा है अद्विक, अद्विक की दीदी अभी तक ट्यूशन से नहीं आई है ना, तो इसी वजह से अद्विक बोर हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए उसका मूड डाउन है। और अभी क्या बोल सकते हैं। तो हाँ, मुझे आपसे बात करनी थी तो ऐसे ही बैठ गई, मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ, आज की अपडेट दे देती हूँ। और फिर आज वीडियो नहीं आने वाला है, मतलब प्रॉपर व्लॉग नहीं आने वाला है, ये भी बता देती हूँ आपसे, थोड़ी सी बातें कर लूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे मिली नहीं हूँ, आपके कमेंट नहीं आएंगे ना तो ऐसे लगता है कि यार नहीं मैं मिली ही नहीं हूँ आपसे, तो आपके कमेंट आएंगे उसकी मैं रिप्लाई करूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसी वजह से मैंने आज ये अभी थोड़ी देर बैठ गई, मैंने सोचा चलो अद्विक के साथ बैठ जाती हूँ, अद्विक भी आपसे बातें कर लेगा, मैं भी आपसे बातें कर लूंगी। और हाँ, किसकी से यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कमेंट करके बताना है, हमारे यहाँ पे तो हल्की सी है बट दिन भर चलती रहती है, अभी तक चल रही है बारिश। और अद्विक देखो कितना पतला हो रहा है,
कीड़ों की आवाज है वो। अजू देखो कितना पतला हो रहा है, बहुत ही पतला हो गया यार। और कन का भी आवाज है, मतलब मैं ये देखो ये कंजे की। अच्छा, और ये अद्विक की बॉडी देखो, अद्विक की बॉडी कितना पतला होते जा रहा है। अद्विक की तबीयत ही मतलब रिकवरी नहीं हो रहा है जल्दी से। वो ऐसा लग रहा है कि इसको टॉनिक वगैरह दू और उसकी वजह से वो हो जाए। थोड़ा जल्दी रिकवर होने के लिए हम लोग कर रहे हैं, बट क्या है कि यार ये थोड़ा सा हो जाता है कि बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं उसके बाद तो वो कुछ दिन तो ऐसे ही रहता है, नहीं खा पी पाते अच्छे से। अभी थोड़ी देर आज तो भी तो उसने थोड़ा सा अच्छा खाना खाया, नहीं तो फिर खा भी नहीं रहा था अच्छे से। उसकी मनपसंद सब्जी बनाई ना आज, इसी वजह से वो खट्टा बेसन। हाँ, अच्छा है। कल भी बनाया था और आज भी बनाया था, तो इस वजह से फिर मतलब देखो मम्मा इतनी मेहनत कर रही है। तो इसी वजह से फिर अजीत को पसंद आ गया, तो फिर हम दोनों ने भी खाना खा लिया। और अभी माही दीदी मम्मा का आज का टेस्ट ही होता है, कभी भी गंदा नहीं हो सकता। देखो बच्चे ऐसे होते हैं, मम्मा के हाथों से पसंद आता है बच्चों को, कोई कुछ भी चीज़ बना दो लेकिन बच्चों को पसंद ही आती है। जैसे मुझे मम्मा के हाथों से ही मेरे जो भी चीज़ें बनी हुई होती है तो मम्मा के हाथों से ही पसंद आती है। मेरी मम्मी जो भी बनाती है, वैसे भी आप दिवाली के व्लॉग में देखते होंगे तो मम्मी बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती है या टेस्टी डिशेज बनाती है। तो मुझे देखो ऐसे रहता है कि अपन ने बचपन से मम्मी के हाथों से ही खाया होता है, तो हमें बचपन से ही मम्मी के हाथों से ही बनी हुई टेस्ट अच्छी लगती है, टेस्टी लगता है मम्मी के हाथों से। मम्मी कैसे भी बनाए और अच्छा ही बनाती है वैसे भी मम्मी, सबकी मम्मी अच्छा ही बनाती है। अभी अद्विक की भी मम्मी अच्छा, अभी मम्मी अद्विक की भी अच्छा ही बनाती है। तो चलो फिर गाइज, अभी इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करती हूँ। लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। और जो वाल वाली घंटी दिखने वाली है उसको देख के और ये दबा के ग्री कर देना। आपको लग रहा होगा कि मैं इतने फास्ट कैसे बोल रहा हूँ, मुझे मैंने मम्मा की आदत लग गई है। और फिर और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मम्मा के दोनों चैनल के लिंक मिल जाएंगे और दूसरा का लिंक भी आपको मिलेगा। और फिर उसे भी फॉलो कर देना, इंस्टा पे भी फॉलो कर देना। और इंस्टा पे आज के पिक्स और रील्स भी है, तो वो भी देखना मत भूलना। लाइक करने में कंफ्यूज मत करना। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर। हां, तब तक ले, बाय बाय बाय।